व्लादिमीर पुतिन आज दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे फियर्ड इंसान। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सीक्रेटली वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी है, इलॉन मस्क से भी ज्यादा। उनके पास 43 प्लेन्स, 7000 से ज्यादा कार्स और तो और एक गोल्ड से बना टॉयलेट भी है। वी आर नॉट जोकिंग। व्लादिमीर पुतिन 20 साल से ज्यादा समय से रशिया के सुप्रीम लीडर हैं, जो दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करते हैं। How did Putin become the most powerful man in the world? छोटा व्लादिमीर ना ही कोई प्रिंस था, ना ही किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता था, बल्कि एक साधारण घर में जन्मा था। उनकी माँ फैक्ट्री वर्कर और पिता सोवियत नेवी में थे। वो एक कम्युनल का में रहते थे, जहाँ घर के अंदर टॉयलेट तो छोड़िए किचन भी नहीं हुआ करता था। एक छोटे से कमरे में गुजारा करना पड़ता था। कम्युनिज्म और गरीबी को अपने आंखों के सामने देखते देखते वो बड़े हुए और जॉब ढूंढने लगे। और जॉब कहाँ मिला? KGB में, जो USSR की सीक्रेट एजेंसी थी। अमेरिका और USSR के बीच कोल्ड वॉर के दौरान उन्होंने कई सीक्रेट ऑपरेशंस कैरी आउट किए और अपने देश के लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट बने। आज रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन 1991 से पहले उससे भी बड़ा एक देश था, सोवियत यूनियन। रशिया को छोड़कर 15 और देश इस बड़े यूनियन का हिस्सा थे। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और रशिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। ऑन अ पर्सनल लेवल पुतिन को इस बात का बड़ा झटका लगा। 1991 से लेकर 1999 तक का समय रशिया की हिस्ट्री में एक मुश्किल समय रहा। बोरिस येल्सिन, जो उस समय रशिया के प्रेसिडेंट थे, रशिया के वर्स्ट प्रेसिडेंट माने जाते हैं। उनका एटीट्यूड रशिया के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर वो वेस्टर्न लीडर्स की चापलूसी करना हो या पब्लिक में दारू पीना और नाच गाना, ये रशिया के ऑर्थोडॉक्स कल्चर को सूट नहीं करता था और इनकी लीडरशिप के अंडर गरीबी बढ़ी। उनकी वजह से रशिया की मेन इंडस्ट्रीज चंद लोगों के हाथ चली गई। 1996 में अमेरिका ने रशियन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करके बोरिस को वापस जिताया, लेकिन रशियन जनता बोरिस को ज्यादा देर के लिए एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। एक समय ऐसा आ गया कि उनकी अप्रूवल रेटिंग 2% तक नीचे गिर चुकी थी। सिचुएशन ऐसी थी कि जल्दी कुछ नहीं हुआ तो उन्हें असैसिनेट किया जा सकता था। इसी वीक इमेज को काउंटर करने के लिए उन्होंने एक डायनामिक पुतिन को 1999 में प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेट मी टेल यू कि रशिया में प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल और प्राइम मिनिस्टर उनके नीचे यानी सेकंड इन कमांड होते हैं। उसी समय रशिया के चेचनिया में मिलिटेंट्स ने 300 रशियंस को मारा। इसके अगेंस्ट जब पुतिन ने ठोस कदम उठाए और उन मिलिटेंट्स को हरा दिया, रशिया में पुतिन एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर एस्टैब्लिश हो गए। बस उन्हें प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बनने में टाइम नहीं लगा और अगले 8 सालों के लिए वो प्रेसिडेंट रहे। इस समय रशिया की कंडीशंस बदली, GDP लगातार बढ़ता ही चला गया, इन्फ्लेशन 36% से घटकर 6% तक आ गया, लोगों की एवरेज इनकम 25 गुना बढ़ गई। रिजल्ट्स दिखे, लेकिन क्यों? अच्छी पॉलिसी मेकिंग की वजह से नहीं, ऑयल की वजह से। जैसे तेल की डिमांड और प्राइसेस बढ़े, रशिया की इकोनॉमी भी बढ़ी। ऑन द अदर हैंड, पुलिस रिफॉर्म्स और मिलिट्री रिफॉर्म्स के साथ रशिया बदल रहा था। लोगों को फिर से पुतिन एक ग्रेट लीडर की याद दिला रहा था। इसी के चलते चलते 2004 में पुतिन को 71% वोट मिले और वो फिर से इलेक्ट हो गए। टेक्निकली एक इंसान सिर्फ 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन पुतिन स्मार्ट थे। उन्होंने 2008 के बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर रोल ले लिया और उनके ही जूनियर को प्रेसिडेंट बना दिया। कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था। 2012 में वो वापस प्रेसिडेंट बन गए। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई अपोज करना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है कि उन्हें कोई अपोज नहीं कर सकता। उनके क्रिटिक्स मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं। जर्नलिस्ट, फॉर्मर KGB एजेंट्स, इवन रेप्यूटेड पॉलिटिशियंस, जिन्होंने भी पुतिन को क्रिटिसाइज किया, उनका अंजाम एक ही हुआ। पुतिन इज सो पावरफुल कि जब रशिया के सबसे अमीर इंसान ने उनके ऑपोजिशन पार्टी को कैंपेन के लिए फंड किया, उन्हें टैक्स एविजन के चार्जेस के अंडर 14 सालों के लिए जेल में फेंक दिया गया। तो उन्हें क्रिटिसिज्म को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं वो उन्हें ही हैंडल कर देते हैं। इसी इंसान के एक इशारे पर 6000 न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने तक सिर्फ 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। सो इन द एंड, व्हाट डज ही वांट? पुतिन अपने सारे स्पीचेस में इस इंसान का नाम जरूर लेते हैं, इवान इलिन, जो एक रशियन फिलोसोफर थे, जिन्होंने कहा था कि पहले रशिया एक इनोसेंट देश हुआ करता था, लेकिन फॉरेन ताकतें उसे वीक बनाती चली गई। पुतिन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वीक लोगों के साथ क्या होता है ये उन्होंने बचपन से देखा है। आज ऑन पेपर पुतिन की वेल्थ $70 बिलियन है, लेकिन फाइनेंशियल एनालिस्ट का मानना है कि उनकी असली वेल्थ $200 बिलियन से ज्यादा है, विच मेक्स हिम रिचर देन आवर फेवरेट इलॉन मस्क। जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता। भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किस तरह के लोगों से डील कर रहे हैं, ये समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ व्लादिमीर पुतिन, दुनिया का इकलौता इंसान जो चाहे वो सब कर सकता है, लेकिन जिसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कोई नहीं करता, और जो करता है वो इस दुनिया से ही उठ जाता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में हमें सिर्फ भारत की ही नहीं पूरे दुनिया की जानकारी होने की जरूरत है, और इस प्रयास में आपका साथ निभाने से मुझे फर्क पड़ा।